जय किसान जय जवान का नारा देने वाले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को निधन हुआ था। अपनी साफ सुथरी छवि और सादगी के लिए प्रसिद्ध शास्त्री ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। वो करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे शास्त्री जी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। एक गरीब परिवार से निकलकर और सबसे बड़े लोकतंत्र का कुशल नेतृत्व कर शास्त्री जी ने दुनिया को इतना तो बता दिया कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो तो कोई भी मंजिल पा सकता है। तो आइए आपको भी उनकी एक कहानी सुनाते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में पूरे देश से हफ्ते में एक दिन व्रत रखने की अपील की थी तो जानते हैं पहले इसका कारण क्या था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के 2 हफ्ते के बाद लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बनाए गए। उसी दौरान साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। अब परिस्थितियां और भी विकट थी। देश का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे, इसलिए उनकी जवाबदेही तय की गई थी। इनके कार्यकाल में देश में अनाज का संकट पैदा हो गया। अमेरिका ने उस समय कुछ शर्तों के साथ भारत को अनाज देने की पेशकश की। शास्त्री जी जानते थे कि अमेरिका से अनाज लिया तो देश का स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने परिवार को उपवास करने के लिए कहा। शास्त्री जी के साथ उनकी पत्नी और बच्चों ने भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया। इससे शास्त्री जी को भरोसा हो गया कि यदि एक दिन भोजन ना भी किया जाए तो इंसान भूख बर्दाश्त कर लेता है। परिवार पर प्रयोग के बाद उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज देने की पेशकश स्वीकार की तो यह देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। उन्होंने आह्वान में कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो और देश को अपना मान दो। उनके इस आह्वान पर देशवासियों का गहरा असर पड़ा। लोगों ने बिना किसी हिचक के अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा भरोसा किया और देश का स्वाभिमान बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ दिया। शहरों से लेकर गांव कस्बों तक में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब भूखे रहते और देश के लिए इस अनाज यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति देते। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर पे पर्याप्त अनाज था वो भी उपवास करते और देश के साथ भूखे रहते। आखिरकार देश अगली फसल आने तक स्वाभिमान से जिया और किसी अन्य देश से अनाज लेने की नौबत ही नहीं आई। इतना ही नहीं, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह तक लेना बंद कर दिया। उन्होंने अपने घर पर काम करने वाली आई पाई को भी काम पर आने से मना कर दिया और घर का सारा काम खुद से ही करने लगे थे। तो ये थी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक छोटी सी कहानी। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।